नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरदत्त, इस खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के दो विभागों में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। सीएम नीतीश शनिवार को अचानक पीएमसीएच पहुंच गए और वहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया और यहां करीब आधे घंटे तक रुके पीएमसीएच में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को लेकर मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें कॉलर ने दावा किया कि रतन टाटा की सुरक्षा बढ़ा दो, नहीं तो उनका हाल भी सारस मिस्त्री जैसा हो जाएगा। इस कॉल के आने के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस ने अपनी एक टीम को उनकी सुरक्षा देखने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी टीम को कॉलर की जानकारी लेने को कहा गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए आयोजित हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और म्यूजिक सहित अन्य विषयों के लिए अस्थायी उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in पर जारी की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने आंसर की के साथ साथ क्वेश्चन बुकलेट भी रिलीज किया है। पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक लगातार अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने के लिए कह रहा है। 18 दिसंबर 2023 के बाद जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेट नहीं होगा, उन्हें अपने अकाउंट से पैसों के लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक ग्राहक 18 दिसंबर तक अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। पीएनबी ने यह जानकारी एसएमएस, ईमेल और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। मिथिलांचल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज सामने आया है। जल्द ही मिथिलांचल वासियों के लिए पशु पुल तकनीक से बनी ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। रेलवे ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वंदे भारत की नई रंगों वाली ट्रेन की तरह दिखने और उसी तरह की तकनीक से बनी पशु पुल ट्रेन समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए इस पशु पुल ट्रेन को चलाने की योजना रेलवे ने बनाई है। अमेरिका की संघीय एजेंसी ने ऐलान किया है कि H-1B वीजा के लिए उसे वित्तीय वर्ष 2024 में पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आवृजन सेवाएं ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसे कांग्रेस द्वारा अनुमोदित 65,000 नियमित H-1B वीजा के लिए आवेदन मिल चुके हैं। इसमें भारतीय पेशेवरों की भी बड़ी संख्या है। H-1B कार्य वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कुशल श्रमिकों को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करने की अनुमति देता है। बिहार में बेलगाम और बेखौफ बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। खनन विभाग अब सभी जिलों में खनन पुलिस की बहाली करेगा। इसमें बिहार पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की भर्ती होगी। अवैध ढुलाई रोकने के लिए 9 जिलों में स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। राज्य में बालू माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि खनन विभाग के पदाधिकारी और पुलिस टीम पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। भारत सरकार ने आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू हत्या की साजिश की जांच के लिए एक जांच समिति की घोषणा की है। इस फैसले के बाद भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों अमी बेरा, प्रमीला जयपाल, रो खन्ना, श्री थानेदार और राजा कृष्णमूर्ति ने पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के संबंध में निखिल गुप्ता के ऊपर लगाए गए आरोपों को चिंताजनक बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जांच अधिकारी पन्नू मामले की ठीक से जांच नहीं करते हैं तो इससे भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका उपचुनाव की घोषणा की है। इसमें छपरा मेयर का उपचुनाव समेत 17 पदों पर चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 24 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। उपचुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। अक्टूबर 2023 में 4 महीने के निचले स्तर 4.87% पर पहुंचने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 5.55% हो गई। नवंबर में ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से आगे निकल गई। यह प्रवृत्ति जुलाई 2023 से देखी जा रही है। पिछले 3 महीनों में गिरावट का रुख दिखने के बाद नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.7% हो गई। खाद्य कीमतों में वृद्धि अनाज, दाल, सब्जियों, फलों और मसालों में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति से प्रेरित थी। इंडियन रेलवे ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े बदलाव देखे हैं। बात चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो या डिजिटाइजेशन की, हर तरफ भारतीय रेलवे ने अपने सिस्टम को और सुविधाओं को अपग्रेड करने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों में यात्रियों ने रेलवे स्टेशन ट्रेनों में कई सुधार देखे हैं। अब सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारतीय रेलवे ने एक पोस्ट किया है। इंडियन रेलवे ने पिछले 9 सालों में 5,250 से ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया है। निश्चित तौर पर सस्टेनेबिलिटी की एक तरफ यह एक बड़ा कदम है। रेलवे का इरादा 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने का है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह बढ़ोतरी भारतीय जीवन बीमा निगम विनियमन 2017 में संशोधन कर प्रभाव से लाई गई है। LIC ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि नियमों को भारतीय जीवन बीमा निगम संशोधन विनियमन 2023 कहा जा सकता है। यह नियम 6 दिसंबर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हुआ है।
राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 16 दिसंबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट के ब्रेंट क्रूड $76.95 प्रति बैरल और WTI क्रूड $71.79 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमतों में मामूली फेरबदल देखा जा रहा है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने इन दिनों सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बना रखी है। दोनों ही फिल्मों ने अपने अपने हिसाब से कमाई कर ली है, साथ ही दोनों फिल्मों को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं। इस बीच अब इन फिल्मों का 15वें दिन का कलेक्शन भी आ गया है। SECNIL.com के अनुसार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने अपनी रिलीज के 15वें दिन भारत में लगभग 7.42 करोड़ की कमाई की है और विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर 15वें दिन भारत में लगभग 2.11 करोड़ की कमाई की है। सोने में निवेश का शानदार और सुरक्षित मौका आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 दिसंबर से शुरू हो रहे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू की कीमत तय कर दी है। यह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की तीसरी सीरीज है, जो कि 18 से 22 दिसंबर तक खुली रहेगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि गोल्ड बॉन्ड का ऑनलाइन खरीदने पर छूट भी मिलेगी। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को ₹50 प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। यह साल रियल एस्टेट खासकर हाउसिंग सेक्टर के लिए काफी शानदार साबित हुआ है। इस साल भले ही होम लोन के ब्याज दरें अपने उच्च स्तर पर बनी रही, लेकिन उसके बाद भी घरों की डिमांड मजबूत बनी रही। एनरॉक की एक ताजी रिपोर्ट बताती है कि 2023 में घरों की बिक्री का फाइनल आंकड़ा पिछले साल यानी 2022 की तुलना में करीब 40% ज्यादा रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान पहले 9 महीनों में देश के टॉप 7 शहरों में 3.49 लाख रुपए के घर बिक चुके हैं। शुरुआती 9 महीने में ही पूरे 2022 की बिक्री का आंकड़ा पीछे छूट चुका है। टॉप शहरों में घरों की बिक्री को रफ्तार है, उस हिसाब से साल के आखिरी 3 महीनों में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के घर बिक जाएंगे। देश का निर्यात नवंबर 2023 में सालाना आधार पर 2.83% घटकर $33.90 अरब रह गया। आयात भी 4.33% की गिरावट के साथ $54.48 अरब रह गया। आयात घटने से देश का व्यापार घाटा कम होकर $20.58 अरब रह गया। अक्टूबर में निर्यात 6.21% बढ़ा था। वाणिज्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नवंबर में देश से $34.89 अरब का निर्यात हुआ था, जबकि आयात $56.95 अरब रहा था। आंकड़ों के मुताबिक सेवाओं का निर्यात नवंबर में बढ़कर 28.69 अरब पहुंच गया। नासा के टेलीस्कोप ने सौर ज्वाला की तस्वीर खींची है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह 2017 के बाद में सबसे बड़ी सौर ज्वाला है। गुरुवार को सौर ज्वाला के कारण धरती के कई हिस्सों में 2 घंटे तक रेडियो संचार बाधित हो गया। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने कहा कि कई पायलटों ने संचार में व्यवधान की सूचना दी। विज्ञानी सनस्पॉट क्षेत्र की निगरानी कर सूर्य से प्लाज्मा के संभावित विस्फोट का विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान देश में मोबाइल क्रांति आ गई है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के अंदर मोबाइल उत्पादन की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में मोबाइल फोन की उत्पादन दर लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट शेयर की। शनिवार को 92वें विजय दिवस के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने 1971 के युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य नेताओं ने जवानों को सम्मानित करते हुए कहा, उनका बलिदान हमेशा हमारे दिलों में अंकित रहेगा। 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से ₹138, ₹1,380, ₹13,800 या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी। अगर आप किसी विदेशी विश्वविद्यालयों के कोलैबोरेशन वाली एडटेक कंपनियों और कॉलेजों से पढ़ाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। इसके लिए UGC ने एक चेतावनी दी है। UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कोलैबोरेशन व्यवस्था में डिग्री प्रदान करने वाले एडटेक कंपनियों और कॉलेजों को चेतावनी दी है। इस चेतावनी में आयोग ने कहा है कि इनमें से कोई भी डिग्री वैध नहीं होगी और छात्रों को ऐसे कोर्सों में एडमिशन नहीं लेने के प्रति आगाह किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 347 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के साथ ही महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी टेस्ट जीत का रिकॉर्ड बना दिया है। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 186 रन पर घोषित करते हुए मेहमान टीम को जीत के लिए 478 रन का विशाल लक्ष्य रखा। इसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम को 27.3 ओवर में 131 रन पर ढेर हो गई। भारत ने पहली पारी में 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जबकि इंग्लैंड पहली पारी में महज 136 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। भारत की 39 टेस्ट मैचों में यह छठी जीत थी।
मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने न्यूज एजेंसी IANS को खरीद लिया है। इस सौदे के बाद अडानी समूह की मीडिया में पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल मार्च में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया को खरीदा था, जो कि बीक्यू प्राइम नाम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती है। इसके बाद दिसंबर में अडानी समूह ने NDTV में 65% हिस्सेदारी खरीदी थी। वित्त वर्ष 2022-23 में IANS का रेवेन्यू 11.86 करोड़ रुपए रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पंजीकरण रबी सीजन के लिए भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार जारी है। किसानों को इस व्यापक फसल बीमा योजना में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनके कृषि निवेश की सुरक्षा हो सके। ऋणी किसान अपने KCC बैंक के माध्यम से PMFBY के तहत स्वचालित रूप से पंजीकृत हो जाते हैं। संसद में हुई घटना के बाद विधानसभा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 18 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। विधानसभा में परिसर में सीमित संख्या में ही लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। एक विधायक की अनुशंसा पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। पहले कई लोगों की अनुशंसा पर विधानसभा के दर्शक दीर्घा में समर्थकों की एंट्री दिला दी जाती थी, लेकिन इस बार सख्ती ज्यादा होगी। यहां तक कि नए विधायकों को भी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस के खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रेंटिस के कुल 3015 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट WCR.IndianRailways.gov.in पर जाना होगा। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 14 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अनवर करीम खान, खुशी शर्मा, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, नुनोगोलू कुमार, अखिलेश कुमार, नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको इंडियन रेलवे में और किस तरह की सुविधा चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।